सो हेलो गाइज, मेरा नाम है सुमित और आप मेरे साथ देख रहे हो टेक विद सुमित। तो सो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो MI 18 का अपडेटेड Redmi 5 ML लॉन्च होने वाला है, उसके साथ क्या क्या फीचर मिलेंगे, क्या क्या आपको नहीं मिलेगा। तो गाइज ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए ताकि और सब्सक्राइब जरूर करिए करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलते रहे और हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन की जरूर मिल जाए। तो गाइज जो ये अपडेट लिस्ट है वो नवंबर में रोल आउट होगा, जैसे कि Mi 8 Pro, Mi 8 Lite, Mi Max 2, Mi Max Prime, Mi Max, Mi Note 3, Mi 5S Plus, Mi 5S, 6 Note, Redmi Y1 Lite, Redmi Y1, Redmi 4S Note 4, Note 5 और ऐसे गाइज Redmi 5A 4X जो कि है नवंबर में अपडेट को लेके लॉन्च आउट रोल आउट होगा। तो गाइज मुझे नहीं लगता है नवंबर में रोल आउट होगा, क्योंकि जो है अभी भी एक दो डिवाइसेज हैं जिनको अपडेट नहीं मिला है। उसके बाद जो है इन डिवाइसेज का नाम तो गाइज नवंबर के एंड तक ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है कि Redmi 5A को ओरियो का अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पिछली वीडियो देख सकते हो और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको या फिर आपको आई आइकन में लिंक जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ आपको मैं एक कंफर्मेशन बता देता हूँ, Redmi 5A को ओरियो का अपडेट जरूर मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा गाइज, दूसरे या तीसरे अपडेट में आपको जरूर मिल जाएगा, जैसे कि MIUI 10 का 10.0.1.0 का अपडेट आएगा, उसके बाद 10.0.3 या 10.0.4 या 10.0.6 का अपडेट में आपको ओरियो का अपडेट जरूर मिल जाएगा, क्योंकि अभी टेस्टिंग के ऊपर चल रहा है वो अपडेट। उसके बाद जो गाइज पोर्ट्रेट मोड, आपको फ्रंट या बैक कुछ कह नहीं सकता कौन से कैमरा मिलेगा, क्योंकि जो है कई यूज़र्स बोल रहे हैं कि दोनों में मिलेगा, मगर गाइज दोनों में आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन ही मिलने वाला। ठीक है, तो और फ्रंट में फेस अनलॉक, गाइस फेस अनलॉक के भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर फेस अनलॉक का मतलब डिवाइस सपोर्ट नहीं करता है फेस अनलॉक के लिए। और गाइस फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए फ्रंट में, तो गाइस उसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने फुली एक्सप्लेन किया है कि आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलना गाइस इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए गाइस हार्डवेयर चाहिए होता है और हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। जब दोनों ही नहीं है तो गाइस फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑन द डिस्प्ले कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो MI 18 का अपडेट मिलेगा आपको, ओरियो मिलेगा, पोर्ट्रेट मोड मिलेगा, फेस अनलॉक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गाइस फीचर्स तो वही मिलेंगे जो आपको MI 10 के मिलने चाहिए, बस एक दो मतलब वो मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं मिलेगा आपको फीचर्स वगैरह जो कि मतलब बाकी फ़ोन्स को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद तो गाइज MI 10 के बाद आपको एक अपडेट और मिलेगा, उसको उसका वो क्या अपडेट होगा वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने यही बताया ना कि आपको MI 10 का अपडेट के साथ क्या अपडेट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब किए ना जान। धन्यवाद।